आज के लेसन 3 में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जब हमारे साथ एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये हमारे साथ जेड से डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय जेड। आजकल के जो मॉडर्न पीरियड टेबल है इसकी अरेंजमेंट हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की गई है। इस तरह एटॉमिक नंबर हमारे साथ हर एक खास अरेंजमेंट पीरियड टेबल की गई है। हर एक एलिमेंट का एक अपना एटॉमिक नंबर होता है। एग्जांपल को हम देखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। इस तरह और 118 एलिमेंट है, हर एक का एक अपना एटॉमिक नंबर होता है। इस तरह हम मास नंबर की तरफ आते हैं, मास नंबर को देखते हैं। एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज डिनोटेड बाय ए। हमारे साथ एक एटम के न्यूक्लियस में हमारे साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जब सेम होती है तो उसको हम मास नंबर कहते हैं, जब डिफरेंट होती है तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जांपल की तरफ आते हैं, ये हमारे साथ ऐसे डिनोट होता है। एग्जांपल कार्बन है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। हमारे साथ कार्बन में 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। मास नंबर 6 प्लस 6 इज इक्वल टू, मास नंबर इसका 12 है।